मोदी सरकार ने अपने 121 दिनों के कार्यकाल में किसानों के लिए कई बड़े फैसले किए, जिनका आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्यौरा पेश किया। लेकिन इस पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि किसानों को अब तक उनकी फसल का सही दाम और मुआवजा नहीं मिला है और सरकार केवल दिखावटी वादे कर रही है। देखिए, शिवराज जी मलाई खा के दिल्ली पहुंच गए। किसानों के नाम पे किसान का बेटा बोलते थे, वो दिल्ली पहुंच गए और किसानों मध्य प्रदेश के किसानों को भूल गए। अगर शिवराज जी चाहते किसानों के हितेशी है और इनकी बीजेपी हितेशी है, तो मैं सबसे पहले इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सोयाबीन 20% क्यों खरीद रहे हो? आप देश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश है, प्रदेश है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक एक दाना किसानों का सोयाबीन का जो जिसमें फसल का नुकसान हो गया, ऐसी स्थिति में आप ना उनको मुआवजा दे रहे ना सर्वे करा रहे। क्यों नहीं शिवराज जी केंद्र से आदेश जारी कराते कि हम एक एक दाना खरीदेंगे? शिवराज जी बता, क्या किसान का बेटा भूल गए? वो